हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आई होप कि आप सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं अबाउट ऑन पासिव एंड अबाउट आवर अपकमिंग फ्यूचर। हम आशा रखते हैं कि आप सभी का, हम सभी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गया कि हम विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो मैं ही आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था परफेक्टली। तो मैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि कैसे आप सभी के साथ मैं जुड़ पाऊँ और कुछ बातें रख पाऊँ आप सभी के बीच। तो मैंने फिर मौका तलाश करना शुरू किया और देखा कि यस, अगर 6:30 बजे हम प्रॉपरली नहीं आ पा रहे तो 6:30 बजे के बाद तो किसी एक टाइम को कर सकते हैं और आ सकते हैं। और आज जो संडे है, संडे मीन्स फंडे, और आप सभी को पता है कि संडे स्पेशल हम टीम बिकॉन फायर एंड टीम फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो वही क्वेश्चन आंसर सेशन जो 6:30 PM को आप सभी को लिंक मिलता है और आप आते हैं, लाइव क्वेश्चन करते हैं, वही क्वेश्चन आंसर सेशन आज हम इस यूट्यूब लाइव के माध्यम से कर रहे हैं। और इसका वेरियस रीजन है, कुछ रीजन मेरे रिलेटेड है, कुछ रीजंस और भी कुछ है। तो चलिए, आज हम आप सभी के बीच आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को सुनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और बहुत सारा फन भी करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। 4 YouTube चैनल पर लाइव हो रहा है और 1 Facebook पेज पर लाइव हो रहा है, यानी टोटल 5 5 जगह पर लाइव हो रहा है सेशन। तो होपफुली हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो प्लीज लाइव को आप शेयर कर दीजिए ताकि हम बहुत ही जल्द सेशन को आगे बढ़ा पाए और क्वेश्चंस लेना शुरू करें। तो होपफुली आप सभी हमारे साथ बने रहिए और आपके जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर सेशन को जरूर, लाइव लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए और ताकि हम जल्द से जल्द सेशन को स्टार्ट कर पाए। कुछ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइन दिस लाइव सेशन। एंड साथी, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 200+ ऑलमोस्ट।
और आशा रखते हैं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा होगा, और मुझे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था कि ताकि हम सभी के साथ बातचीत कर पाए, और आज वो अपॉर्चुनिटी मिल ही गया कि मैं आप सभी के साथ कुछ ना कुछ शेयर करूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर तो जरूर जरूर लेंगे आज के डेट पर, लेकिन कुछ करंट जो सिनेरियो है इसको लेकर भी बातें करना ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैंने दो एक सेशन पर बात भी की थी अदर सेशन पर जाके, और आज भी शाम को 5 बजे एक सेशन पर मैंने जस्ट 5 मिनट के लिए ज्वाइन भी किया था हमारे शिवांगी यादव मैम के सेशन पर। देखिए साथियों, आज का डेट 31 मार्च 2024, आज संडे है, यानी लास्ट दिन है मार्च का। ओके और वेलकम है आप सभी का क्वेश्चन आंसर सेशन पर। आप अगर क्वेश्चन अपना रखना चाहते हैं तो आप लाइव चैट के माध्यम से आज आपको क्वेश्चन रखना होगा, और सेशन के लास्ट अंतिम पड़ाव पर हम जरूर आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे लाइव इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए, ताकि आप लाइव आके अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम लाइव चैट से ही आज का क्वेश्चंस लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चैट पर ही आपको क्वेश्चन करना है, हम वहाँ से आपका क्वेश्चन लेंगे और ज़रूर उत्तर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्टली मैं आज आप सभी के बीच जिस विषय को लेकर बात करूंगा साथियों, वो है करंट सिनेरियो ऑफ ऑन पासिव। और आप सभी को पता है लास्ट 360 वेबिनार पर मिस्टर ऐश मुफारिस सर आए थे और कुछ अपडेट्स को क्लैरिफिकेशन देने की सर ने प्रयास किया है, कुछ अपडेट्स क्लियर हुआ है, और हम ये आशा रखते हैं कि ऐश सर जब कुछ बातें बताते हैं उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से गौर से सुनते भी हैं और उन सारे चीज़ों को समझते भी हैं। अगर आपको लैंग्वेज कुछ प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत होती है, तो बैक ऑफिस पर जो समरी दिया जाता है उसको आप अपने भाषा पर ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, राइट? क्योंकि ये ऑन पैसिव का एक यूनिकनेस है कि हमारे वेबसाइट के अंदर 200+ कंट्रीज के जितने भी भाषाएं हैं वो सारे भाषाएं यहाँ पर ऐड किया गया है, और सारे भाषा के माध्यम से आप अपने लैंग्वेज से, अपने मातृभाषा से ट्रांसलेट करके ऑन पैसिव के सारे सिस्टम को आप पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो आपने अगर अपडेट्स को देखा या फिर सुना है तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुआ होगा। एक तो ऑन पैसिव अभी जिस सिचुएशन पर है या फिर जिस सिचुएशन को पार कर रहा है, ये बहुत ही हार्ट है। क्यों हार्ट है? क्योंकि देखिए साथियों, कॉरपोरेट लेवल पर ऑन पैसिव एक ऐसे कंपनी आज खड़ा कर रहा है, या फिर ऐसे ऐसे सेक्टर्स पर ऑन पैसिव का काम हो रहा है जहां पर हो सकता है होपफुली आज तक किसी ने ऐसा काम किया ना हो, इस लेवल पर ऑन पैसिव में आज के डेट पर काम हो रहा है। ओके क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक प्रोडक्ट को लेकर या फिर एक टूल को लेकर या फिर एक ही डिपार्टमेंट को लेकर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अलग अलग प्रोडक्ट जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओ कनेक्ट, मेलिंग, ओ मेल, सोशल मीडिया, ओ नेट, लिंक शॉर्टनर, ओ ट्रिम, ऐसे वेब एनालिटिक्स टूल अगर देखा जाए तो आपका हमारा जो प्रोडक्ट है ओ ट्रैकर, ऐसे KYC वेरिफिकेशन टूल है ओ वेरीफाई, ऐसे हजारों प्रोडक्ट है जो ऑन पैसिव डेवलप कर रहा है। बच्चों के लिए ओ ओन जॉय, ये भी एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, जो आपको कुछ ही दिनों के अंदर इसका प्रेजेंटेशन या फिर इसका जो सिनेरियो रहने वाला है वो मिस्टर आज सर आके बताएंगे। काफी सारे प्लेटफॉर्म के साथ ऑलमोस्ट पार्टनरशिप का काम चल रहा है, ओकेडमी को लेकर बहुत कुछ किया जा रहा है बैकएंड के अंदर, और जो बताया गया था कि ऑन पैसिव का जो ओकेडमी प्रोडक्ट होगा, ओकेडमी जो टूल होगा, ये कोई यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, ये बहुत विशाल एक प्रोडक्ट बनने जा रहा है पूरे ऑल ओवर मार्केट पर, पूरे दुनिया के मार्केट पर, एडुकेशन सेक्टर पर। और ऑन पैसिव जिस लेवल से आज ओकेडमी को लेकर काम कर रहा है, ये बहुत ही जल्द पूरे एडुकेशन सेक्टर के अंदर एक रेवोल्यूशन लाके खड़ा करने वाला है। दूसरा, हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव डिजिटल टूल्स को लेकर ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिजिकल टूल्स को लेकर भी काम हो रहा है। ओके फिजिकल टूल्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, और अगर फिजिकल टूल्स को लेकर भी काम चल रहा है, जैसे बताया गया है कि ओ कनेक्ट का जो फर्स्ट हार्डवेयर डिवाइस होगा वेब कैम, वो ऑन पैसिव लॉन्च करेगा,
तो क्या आपको लगता है ये इतना मतलब आसान है, और वो भी 4K रेजुलेशन के साथ? और इसका जो रेजुलेशन अपग्रेड करने का, पिक्सल अपग्रेड करने का सिस्टम होगा, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा। यानी जब वो कनेक्ट का 8K रेजुलेशन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो वेब कैम ही आपको 8K रेजुलेशन का फैसिलिटी देने वाला है। तो इसको थोड़ा सा समझ कर देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से आज ऑन पैसिव काम कर रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से आज ऑन पैसिव का सिस्टम पूरे दुनिया के सामने बन के ऑलमोस्ट रेडी है। जस्ट वेट फॉर ए रियल टाइम, एक रियल टाइम का, एक सही समय का अपेक्षा है। जब भी सही समय आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूं कि ऑन पैसिव पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के इंटरनेट वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला है। ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट तहलका मचा चुका है। ये आप हम समझ पाए ना पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई आता जाता नहीं है। लेकिन ओ कनेक्ट एक बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के हिसाब से निखार के आज के डेट पर बाहर आ चुका है। और ये ओ कनेक्ट के माध्यम से आज सिर्फ और सिर्फ आप फायदा उठा पा रहे ऐसा नहीं है, आज हजारों लाखों लोग इससे फायदा उठा रहा है, आज हजारों लाखों लोग इससे अपना बेनिफिट उठा पा रहा है। इसका सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 14 लाख फाउंडिंग मेंबर, साथ ही साथ इसको छोड़कर अगर देखा जाए तो 14 लाख प्लस आज यूजर्स भी रेडी है। यानी 3 मिलियन, जैसे एसन ने बताया था, हमारा पेड कस्टमर बन चुका है। तो 3 मिलियन अगर देखा जाए तो 30 लाख, यानी 16 लाख आज के डेट पर हमारा पेड कस्टमर बन चुका है। इसके अंदर 10 लाख कस्टमर ही अगर ओ कनेक्ट को अच्छे से यूज करे, तो ये क्या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है? यस, ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल है। बहुत सारे सवाल आज के डेट पर ऑन पैसिव को लेकर फाउंडिंग मेंबर्स, एफिलिएट्स के मन में है। लेकिन देखिए, पॉजिटिवली अगर आप एक बार ऑन पैसिव को सोच कर देखेंगे कि ऑन पैसिव जब आप अपना शुरुआती दौर पर ये पूरा सिलसिला शुरू किया था, तब कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था से शुरू करके आज के डेट पर ऑन पैसिव के पास सब कुछ है। वो सब कुछ है जिन सब कुछ चीजों के लिए आप हम लाइफ टाइम प्रयास करते रहते हैं, प्रयासरत है, राइट? हम प्रयास करते रहते हैं, उन सारे चीजों को आज के डेट पर ऑन पैसिव करके रेडी कर चुका है। ओट्रीम एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में एसएन ने बताया कि ये गूगल प्ले स्टोर पर ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है, रोल आउट हो चुका है, इसको रिवील कर दिया गया है। लेकिन जस्ट वेट फॉर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। ओट्रीम जहां पर आपको दिख रहा है वहां पर गूगल प्ले स्टोर का लिंक आ जाएगा। इसको अभी iOS यानी एप्पल जो आईफोन का प्ले स्टोर है वहाँ पर भी ले जाने का कंपनी बहुत ही जल्द प्रयास कर रहा है, और बहुत ही जल्द वो iOS स्टोर पर भी आपको अवेलेबल दिखेगा। तो जब भी ये आप लोगों के सामने आ जाएगी तो आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन आप एक सवाल खुद को पूछिए, कभी आपको बताया गया था कि ओट्रीम का मोबाइल एप्लीकेशन आएगा? होपफुली नहीं बताया गया। लेकिन वो सारे चीजें आपके सामने आज आ रहा है। इस चीज को आपको पकड़ कर चलना है कि आपको बताया नहीं गया था कि ओट्रीम का मोबाइल एप्लीकेशन आएगा, लेकिन आज के डेट पर मोबाइल एप्लीकेशन ओट्रीम का है। क्यों है? क्योंकि ये सारे चीजें बैकएंड पर बन रहा था। हर एक चीज जो बन रहा है वो हमें बताया जाए ये पॉसिबल भी नहीं है, और वो सारे चीजें आप रियल टाइम के बिना समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए एक रियल टाइम का वेट करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेमेंट विड्रॉल्स को लेकर जो पेंडिंग्स है, इसको लेकर बहुत सारे लोग आज के डेट पर परेशान है कि सर कब ये सारे रिलीज होगा, अगर रिलीज कर देता तो बहुत अच्छा होता। बहुत सारे फेस्टिवल ऑलमोस्ट जा चुका, होली भी जा चुका, अभी ईद भी आ रहा है, कोई कोई बोल रहा है ईदी के रूप में भी तो दिया जा सकता है, तो क्या होगा, क्या सिनेरियो रहेगा? देखिए साथियों, मैंने पहले से ही कहा था और ये सच है कि टेक्नोलॉजी कोई फेस्टिवल को नहीं पकड़ कर चलता। टेक्नोलॉजी का कोई फेस्टिवल नहीं होता, कोई उत्सव नहीं होता। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने हिसाब से चलता है। हमारे हिसाब से टेक्नोलॉजी को चलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ऐसा हो ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तब भी आप उन सारे चीजों का फायदा उठा पाएंगे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पूरी दुनिया को देने का सोच रहे हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा इन सारे बातों के ऊपर गौर करना है। फर्स्टली कि ऑन पैसिव का डेवलपमेंट यहाँ पर चालू है, डेवलपमेंट एक मिनट के लिए भी बंद नहीं है। अगर डेवलपमेंट बंद हो जाता या फिर डेवलपमेंट यहाँ पर स्कीप करके कोई दूसरा चीज ऑन पैसिव करता, तब हम सवाल खड़ा कर सकते थे कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों हमें इतने सारे दिन ऐसे रखा जा रहा है, ये हम तब क्वेश्चंस कर सकते थे। लेकिन ऑन पैसिव का डेवलपमेंट आज तक बंद हुआ ही नहीं। इसीलिए जो सारे लोग आज के डेट पर थोड़ा सा पैनिक है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज डोंट पैनिक अबाउट ऑन पैसिव, डोंट पैनिक अबाउट योर कंपनी, डोंट पैनिक अबाउट योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर को लेकर, आपके भविष्य को लेकर प्लीज परेशान मत होइए। प्लीज आप टेंशन ना लीजिए, डिप्रेशन में मत पड़िए, थोड़ा सा समझ कर चलिए। ऑन पैसिव आज के डेट पर हमें इतना बड़ा सपना दिखाया है, ठीक है, सपना दिखाया है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत सारे लोग फोन करके बोलते, मैसेज करके बोलते, सर ऑन पैसिव ने हमें बहुत सारा सपना दिखाया, लेकिन सपना सच कहां पर हो रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन आपको हमें ये भी थोड़ा सा समझ कर चलना है कि सपना जो दिखा जाता है, सपना सिर्फ और सिर्फ जस्ट प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं होता। अधिकतर जो सपना होता है वो फ्यूचर को लेकर होता है, ये आपको भी अच्छे से पता है। जब आप परिवार के साथ कोई चीज डिस्कशन करते कि मैं एक घर बनाऊंगा, तो बनाऊंगा का मतलब क्या है, आज के डेट पर थोड़े ही अपना रहे, इन फ्यूचर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो सपना आपको ऑन पैसिव के थ्रू दिखाया गया है, या फिर आपको बताया गया कि आप अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को बिगर करिए, बिगर, मोर देन बिगर, तो ये कोई झूठी बात नहीं है या फिर झूठा प्रॉमिस नहीं है, ये सच है और ये सच होने वाला है 100%। लेकिन आपको, हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आज मान लीजिए आपको ऑन पैसिव में अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो क्या आपको आपके परिवार चलाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर परिवार चलाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? हर किसी के पास है। आज के डेट पर ऐसा बहुत ही कम लोग है जिनके पास घर परिवार चलाने के लिए कोई उपाय नहीं है, बहुत कम लोग है, बहुत। लेकिन तब भी अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो उपाय कर सकते आप, और हम ये विश्वास रखते हैं कि आप इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते, जैसे आपने अतीत में किया है, पास्ट में आपने किया है, कुछ भी करके, कोई दिहाड़ी करके कर रहा है, कोई मजदूरी करके कर रहा है, कोई और भी कुछ करके कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा ठेला लगा के कर रहा है, छोटा मोटा कोई काम करके कर रहा है, बहुत सारे वे है आज के डेट पर दुनिया में जिसको करके आप कर सकते हैं। आज के डेट पर हम गवर्नमेंट को भी इन सारे चीजों के ऊपर इन्वॉल्व करते हैं और गवर्नमेंट को भी दोष देते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें कोई जॉब नहीं देता, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है आज के डेट पर, दुनिया के आबादी के अंदर अगर हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष, हमारे इंडिया के आबादी के और नजर रखा जाए तो 140 करोड़ जनता हमारे हिंदुस्तान में है। इतने सारे जनता के बीच एक सरकार कितने सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता है? धरती छोटा है, हमारा धरती छोटा है, लेकिन लोग ज्यादा है, जनसंख्या हमारा ज्यादा है, इस हिसाब से उतना ज्यादा जॉब भी सरकार प्रोवाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पर सरकार का भी 100% दोष आप नहीं दे सकते। इसीलिए ऑन पैसिव ने जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप घर बैठ के ओनली जस्ट एक मोबाइल फोन के जरिए या फिर एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, एक कंप्यूटर के माध्यम से, पीसी के माध्यम से आप पूरे दुनिया को इकट्ठा करके ग्लोबली एक बिजनेस कर सकते हैं। और ये ग्लोबली बिजनेस करने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक मानसिकता की जरूरत है। आप बोलेंगे सर ये मानसिकता के बारे में हमें MLM में भी बताया गया था कि आपको सिर्फ मानसिकता की जरूरत है और एक मिनट में डिसीजन ले लीजिए। मैं हमेशा ये चीज के खिलाफ हूँ कि एक मिनट में आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन अधिकतर गलत होता है और
गलत डिसीजन के लिए हमें ऑन पैस में नहीं रहना है, हमें सही डिसीजन को लेकर ही ऑन पैस में लेना रहना है। ऑन पैस में आज अगर आप है मैं हूं, राइट, अगर ऑन पैस में आप है मैं हूं, तो मैं सोच समझ कर हूं। कोई मुझे यहां पर टोपी नहीं पहना रहा है, मैं भी मतलब इतना जज कर सकता हूं कि कोई बिजनेस फेक है या फिर रियल है, इतना मैं भी जज कर सकता हूं। मैंने भी बहुत सारे बिजनेस एमएलएम सेक्टर पर किया है, मैंने रोटेशन के बिजनेस के माध्यम से किया है जहां पर लोगों को चूना लगाया जाता है, लेकिन लोग करते हैं तब भी वो सारे बिजनेस, क्यों? क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। आपके पास जब दूसरा ऑप्शन होगा बेटर, तब भी तो आप इसको छोड़कर दूसरे जगह पर शिफ्ट होंगे ना। आज मान लीजिए आपके पास एक जॉब आप करते हैं जहां पर आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, 12 घंटा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको ड्यूटी करना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक ऐसा ऑफर आ जाता है कि आपको 6 घंटा ड्यूटी करेंगे आप, और आप यहां पर जितना सैलरी आपका था 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद जो आपको सैलरी मिलता था उतना ही आपको सैलरी मिलेगा, कभी कभी उससे भी ज्यादा मिलेगा बोनस एक्स्ट्रा। तो आपके पास जब ये अपॉर्चुनिटी होगा या फिर ऑप्शन होगा कि ये यहां पर ज्यादा दे रहा है कम काम करके, तब भी तो आप वहां पर जाएंगे ना। ऑप्शन जब होगा, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसलिए लोग करते थे ऐसे एमएलएम बिजनेस। एमएलएम कोई बुराई नहीं है, कर सकते आप, नो इशू, कोई इशू नहीं है कि आप एमएलएम नहीं कर सकते, वहां पर भी अच्छा आपका फ्यूचर है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक बिजनेस अच्छा है, लेकिन अच्छे से आपको करना है। ओके, आपको अच्छे से करना है, लेकिन इजी, अगर इजीली देखा जाए कि मैं इजीली कैसे सक्सेस को पा सकूं, या फिर इजीली मैं कैसे अपने आप को डेवलप कर सकूं, अपने आप को सक्सेस या सफलता के ओर आगे बढ़ सकूं, तब आपको ऑन पैसिव की ओर आना पड़ेगा, हर एक बिजनेस को छोड़कर। क्योंकि ऑन पैसिव आपको एक बहुत ही सिंपल वे के साथ आपको मार्केटिंग करने का अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत ही सिंपल वे के साथ आपको आपके जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर देता है। ऑन पैसिव, जस्ट ऑन पैसिव। आज ऑप्शन नहीं है आपके पास, दिखाइए कोई अगर ऑप्शन ऐसा है तो। बहुत सारे लोग, सर ये एक बिजनेस आ गया, बहुत सारे लोग प्लानिंग भेजते रहते हैं मेरे मोबाइल पर भी, बहुत सारे लीडर्स इसको झेल रहे होंगे, बहुत सारे, कुछ कुछ हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर है जो बोलते हैं सर ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं, प्लीज जज करके बताइए। देखिए आज के डेट पर 100% के अंदर अगर देखा जाए तो 90% जो बिजनेस आपको आके बोल रहा है कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे कुछ चीजें आपको बताते हैं, राइट, 90% फेक होता है, 10% ओनली 10% सही होता है। लेकिन 10% के अंदर भी अगर देखा जाए तो 9% बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, रियल है कंपनी, कंपनी रियल है, आपको बिजनेस रियल करके देगा, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है जो आपके हद के बाहर है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाखों का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, तब भी आप सफल बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, कर सकते हैं आप, अपने लागत को लगा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, ग्लोबली बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ऐसा उठा कर देता है कि हमने ये बिजनेस रेडी करके रखा है जस्ट इन टू विल। ऐसा नहीं है, ओनली ऑन पैसिव आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप ऑन पैसिव को समझ गए होंगे तो मेरे बातों से आप एग्री होंगे, और अगर ऑन पैसिव को आप नहीं समझ पा रहे तो मेरी बातों से आप एग्री नहीं करेंगे, यही स्वाभाविक है और यही दुनिया में हो रहा है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, हम क्वेश्चन आंसर के और आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में कुछ कुछ बातें करते रहेंगे, राइट। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन कितना आ चुका है ऑलमोस्ट, और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन लेंगे। ओके, फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट हमारे बीच एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम इनोग्रेट करते हैं आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से। डिजिटल साहित ऐसा कुछ यूट्यूब यूजर है, इनके तरफ से क्वेश्चन है, पेंडिंग विड्रॉल्स कब तक क्लियर होगा? वही रिलेटेड मैं कुछ बातें कर रहा था यहाँ पर। पेंडिंग विड्रॉल्स सर देखिए, अभी जिस पेमेंट प्रोसेसर के साथ, पेमेंट मर्चेंट के साथ ऑन पैसिव डील कर रहा था या फिर हम डील कर रहे थे, बहुत सारे पेमेंट प्रोसेसर ऑलमोस्ट हमने झेला है ऑन पैसिव के माध्यम से, बहुत सारे पेमेंट प्रोसेसर ने हमें धोखा दिया है, ओके। लेकिन ऑन पैसिव कभी रुकने वाला नहीं है, ऑन पैसिव कभी ठहरने वाला नहीं है, ऑन पैसिव कभी किसी भी चीज़ को स्किप करने वाला नहीं है। ऑन पैसिव यहाँ पर आपके लिए, हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और इसलिए हम ये प्राउडली बोल सकते हैं कि अभी नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेसर के साथ ऑलमोस्ट डील होगा बहुत ही जल्द। ऐसा ने बताया कि हमने 2 हफ्ते के ऊपर ऑलमोस्ट इसके ऊपर काम कर चुके हैं, और होपफुली बहुत ही जल्द वेबिनार के माध्यम से आज सर भी बताएंगे आके कि असल में किस प्रोसेस से अभी हम पेमेंट को रिलीज करेंगे। और थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन अगर बोला जाए तो कुछ समय की ही बात है, उसके बाद हमारा खुद का कार्ड सिस्टम भी आएगा, उसके माध्यम से हम डायरेक्टली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स पर, ओके। तब किसी भी थ्रू की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाला, और इसके लिए कंपनी बहुत कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च बताया गया था, आपको पता ही है हमारा ओन कार्ड सिस्टम, ओन कार्ड रेडी टू लॉन्च अगर है तो आप समझ सकते हैं कि कितना करीब हम आ चुके हैं इस प्रोसेस के साथ। जस्ट थोड़ा सा और कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वेट करना है इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा रिक्वायर होने में। जस्ट हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमने सोचा था कि यही पेमेंट प्रोसेसर सारा काम कर पाएगा, लेकिन ये गलती कंपनी का नहीं है। अगर कोई कंपनी को दोष देता है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ कि ये कंपनी का कोई दोष नहीं है। कंपनी चाहता है कि हम पेमेंट रिलीज कर दें, क्योंकि अगर कंपनी चाहता कि हम पैसा सिर्फ ले और पैसा किसी को ना दे, जिसको हम बोल रहे विड्रॉल्स, तो कंपनी इतने दिनों में अपना नेक्स्ट रिलीज के साथ पैकेजेस भी रोल आउट कर देता। बहुत सारे लोग कर लेते, हम ना करते फाउंडिंग मेंबर्स, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कर लेते अपना पेमेंट और ओकनेट को परचेस करते, लेकिन इससे कंपनी को बेनिफिट होता, हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, हमारा विड्रॉल्स भी नहीं आता। लेकिन कंपनी चाहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ, ऐसा जो चाहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो सभी को लेकर, सभी को साथ लेकर, तो थोड़े दिन तो हम टाइम यहाँ पर दे ही सकते हैं, और इन सारे चीज़ों को रिक्वर करने के बाद अगर रन करें हम तो स्मूथली सारे सिस्टम रन करेगा और हम सारे चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन देख भी पाएंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ही जल्द ये सारे चीज़ें रिक्वर होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा चाचा का एक ही लड़का था जो गंभीर बीमारी से डेथ कर गई, उसे बूढ़े माँ बाप ही जो बहुत बुजुर्ग है सर, उसने डेथ के पहले ही अपने ओ फाउंडर की आईडी मुझे स्टैम्प पेपर पे डोनेट कर दे, ओके। चंदन कुमार गौतम, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सर देखिए, इस मैटर के ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन एज सजेशन अगर देखा जाए, ऐसा अगर हालात है और ऐसी अगर बात है, तो आप बेचारे उनके परिवार को हेल्प करने के लिए, अभी अगर आपके एसएस के माध्यम से ही वो फाउंडर आईडी चल रहा है, या फिर आप कोई आपने वो अपने नाम से कर लिया, उसके माध्यम से जैसे आपने बोला कि स्टैम्प पेपर पर आपने सारा कुछ कर लिया है, तो आप इन फ्यूचर उनको मदद करने की कोशिश करिए। अगर वो फाउंडर आईडी के माध्यम से करेंगे तो भी अच्छा, आप अगर चाहे तो फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर सकते हैं उनके परिवार को, और सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारा कर्तव्य है, तो ये आप करिए ज़रूर। हमारे तरफ से ये आपको अनुरोध रहेगा कि आप ये करिए उनके लिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सर, सभी कंट्रीज का ऑफिस क्यों हटा दिया गया है वेबसाइट से? कोई देखिए,
यहाँ पर सभी कंट्रीज का ऑफिस जो है उसका नहीं हटाया गया, ओनली यूएसए का हटाया गया है, वो भी कुछ रीजन के वजह से हटाया गया है। ओके, इसको खुलेआम हम अगर चर्चा ना करें तो ही बहुत अच्छा है। मैं इसको ये समझता हूँ, ठीक समझता हूँ कि खुलेआम इसको डिस्कस ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन जस्ट इतना ही हम बोलना चाहेंगे आपको कि कुछ ऐसे रीजन है जिसको कंपनी ने समझा है कि इस चीज को थोड़ा सा स्किप किया जाए, और हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म चले, और लॉन्ग टर्म चलने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था करने के लिए। इसको ही एसन ने, हमारे टेक टीम ने, हमारी कंपनी ने किया है, और वो मैप के माध्यम से आपको दिख रहा है, ग्लोब के माध्यम से, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सारे कंट्रीज के ऑफिसेस वहाँ पर मौजूद हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सभी को फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी ने ग्रीटिंग्स कहा है सभी को। ओ वेरीफाई कब तक आएगा? प्रशांत कुमार सामंत, सर देखिए, ओ वेरीफाई जो है ये हमारा बेस्ट KYC वेरिफिकेशन टूल है, जो सिर्फ और सिर्फ एज ए फ्री प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसका कमर्शियल वर्जन भी होगा, B2B एंड B2C। B2C जो वर्जन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जो B2B होगा ये बिजनेस रिलेटेड होगा, जैसे बैंक्स, ऑफिसेस, गवर्नमेंट सेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे जगह पर ये यूज होने वाला है B2B वर्जन पर। और जो B2C वर्जन होगा वो ओनली इकोसिस्टम पर यूज होगा, और इकोसिस्टम के माध्यम से हमें KYC वेरिफिकेशन करना होगा। और ओ वेरीफाई के अभी इस टाइम ना आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, डाटा सेंटर इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत बड़ा एक डाटा हमें चाहिए, डाटा बेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, वो सारे चीज़ों के ऊपर बैकएंड पर काम किया जा रहा है, और इसका एप्लीकेशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, काफ़ी कुछ इंटीग्रेट हो रहा है, काफ़ी कुछ बेहतरीन करके ही इसको सामने दिया जाएगा, होपफुली। ओके, थैंक यू सो मच। रेनू दास मैम ने क्वेश्चन करा, सर मेरा दो क्वेश्चन है, ओनेट ब्रॉडकास्ट खुद का चैनल एडिट नहीं होता है, और ब्रॉडकास्ट चैनल में वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में कुछ बोलिए रेहान सर। ओके, आपने क्वेश्चन किया है मैम कि ओनेट पर ब्रॉडकास्ट खुद के चैनल एडिट नहीं हो रहा है, ब्रॉडकास्ट करते टाइम ये नहीं हो रहा है, या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल जब आप क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप एक बार क्लियर करिएगा मैम। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ज़रूर एक बार मेरे साथ कॉन्टेक्ट करिएगा आप, मैं इस चीज़ को पहले सुनूंगा आपके मुँह से, और तब भी मैं आपको एक समाधान ज़रूर दे पाऊंगा इसके थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका कि वीडियो अपलोड का ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में। ओके, वीडियो अपलोड का ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लीज़ एक बार कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको आपकी जो समस्या है ये देखकर आपको ज़रूर समाधान देने के प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच। और अगर ऐसा नहीं है तो ज़रूर होना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्रदीप सेगोकर सर का, सर एप्पल पेंडिंग विड्रोल्स कब तक मिलने वाले हैं? क्या हमेशा ऐसा ही चलेगा? कब तक राह देखेंगे? अच्छा, लोगों का, चलिए आपका जो क्वेश्चन है सर पेंडिंग विड्रोल्स को रिगार्डिंग, पेंडिंग विड्रोल्स के रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें बताई है, और कंपनी नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेसर को बहुत ही जल्द डील करके सामने लाने वाला है, और ओ कनेक्ट का न्यू रिलीज का न्यू पैकेजेस वो भी सामने आने वाला है। साथ ही साथ हमारा जो पेंडिंग विड्रोल्स है वो एक ही झलक में सारा कुछ अपने बैंक खाते में आने वाला है, अपने क्रिप्टो वॉलेट्स में आने वाला है। तो जस्ट फ्यू डेज कंपनी ये सारी चीज़ें रिक्वायर करने वाला है, जस्ट फ्यू डेज, ओनली ओनली फ्यू डेज, बहुत ही जल्द ये सारी चीजें होने वाला है। ओके, राम नरेश पाल सर ने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर जी, कहाँ गायब हो गए थे? सर हम गायब नहीं होते, हम यहाँ पर ही है, और हर रोज आपके साथ ही है, सबके साथ है। जस्ट अभी आपको पता ही है कि थोड़ा सा ये फास्टिंग का महीना है,
रमजान का, इसलिए थोड़ा सा 6:30 बजे उपस्थित होना मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैंने स्किप किया था। और आज के डेट पर मैंने सोचा कि किसी बहाने मिल ही लेते सभी के साथ और क्वेश्चन आंसर भी कर लेते, इसलिए लाइव सेशन को रखा गया। और हम कोशिश करेंगे कि जस्ट और 10 दिन बाकी है, और 9 से 10 दिन के बाद हम एकदम फ्री हो जाएंगे बिल्कुल, और 6:30 बजे एकदम जैसे मिलते थे वैसे मिलेंगे टीम बिकॉन फायर एंड टीम फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पर 6:30 बजे। एंड यंगस्टर लाइव शो भी शुरू होने वाला है, वो भी एक शेड्यूल होगा हफ्ते में 2 दिन होपफुली। और OES जो ट्रेनिंग हब है उसके थ्रू भी ट्रेनिंग सेशन हम शुरू करेंगे बहुत ही जल्द, जो होपफुली संडे और वेडनेसडे ऐसा कुछ होने वाला है, राइट? जैसे आप सभी ने वोटिंग किया था तो उसके लिए भी चर्चाएं चल रहा है, बहुत ही जल्द ये हम करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच, और आई एम ऑलवेज विथ यू एंड विथ ऑल सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मनोज मनोज सिंह सर का, आप सभी लीडर विड्रोल कब तक आएगा ये बात करें। सर विड्रोल्स आएगा, ये एक प्रोसेस है, पेमेंट रिलेटेड काम किया जा रहा है, और बहुत ही जल्द विड्रोल्स के रिगार्डिंग अपडेट्स आएगा कि कब से कंपनी शुरू कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेसर के ऊपर डील करना कंपनी ने ऑलमोस्ट शुरू कर दिया है, और इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द सामने आएगा। कुछ दिन हो सकते हैं हमें और वेट करना पड़े सर इस चीज़ को लेकर, लेकिन बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। ओके नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, और एक सर ने हमारे तनज नाथ सर ने क्वेश्चन किया, गुड इवनिंग सर, कई दिन हो गए आपकी कोई सेशन अपडेट देखा नहीं। सर यही रीज़न है जो मैंने बताया कि इस महीने के लिए थोड़ा सा मैंने सेशन, क्योंकि जिस टाइम ये करते हैं उस टाइम बहुत सारे झमेला लगा रहता है और जिसको करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सेशन चलते टाइम, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तब भी मैं था सेशन पर, राइट, शुरू और अंत पर, लेकिन बहुत सारे न्यू प्रेजेंटर को मैंने इन्वॉल्व किया था और सभी ने करने की कोशिश की है। 2-4 दिन हमने पोस्टपोन भी किया था सेशन को, और होपफुली बहुत जल्द यानी 8 से 9 दिन के अंदर सेशन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगा, और हम सभी मिलकर फिर सेशन अपडेट से लेकर 6:30 बजे करेंगे, और भी जो यंगस्टर लाइव शो हो ये ट्रेनिंग हब सारा चीज़ें फिर फ्लॉलेस होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ओनली नेक्स्ट ईयर यूट्यूब से क्वेश्चन किया गया है, एक बार मोदी से, ओके, एक बार मोदी से एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए, यकीन हो जाएगा क्योंकि अपना मोदी वर्ल्ड लीडर है ना। सर पहली बात मैं आपको थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि जस्ट मोदी ये शब्द यूज़ करना उचित नहीं होगा, मोदी जी कहिए या फिर मोदी सर कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड एंड पोजिशनल लीडर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, तो हमें बहुत ही रेस्पेक्टफुली उनके साथ बातचीत करना चाहिए, और ये हमारे लिए शोभा नहीं देता कि डायरेक्टली हम ऐसे नाम से पुकारे सर को, तो हम मोदी जी बोल सकते हैं। तो चलिए, ये एडवर्टाइजमेंट जो है किसी प्राइम मिनिस्टर से हमें करवाना है तब भी ऑन पैसिव वायरल हो गया ऐसा कुछ नहीं है, गूगल को कोई प्राइम मिनिस्टर प्रमोट नहीं करता, फेसबुक को कोई प्राइम मिनिस्टर प्रमोट नहीं करता, तब भी चलता है, ओके, तब भी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही फैला हुआ है। और अगर हम ऐसे ही मोटो लेकर मार्केट में आते तो न्यूज़ चैनल काफ़ी था, न्यूज़ चैनल पर हम पेड प्रमोशन कर सकते थे ऑन पैसिव के थ्रू, लेकिन ऑन पैसिव ने ये नहीं किया। ऑन पैसिव ने क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि ऑन पैसिव अच्छे तरीके से जानता है जब हम मार्केट में एक बार फैल जाएंगे तो पूरा दुनिया हमें देखते रह जाएगा, ओके, इसीलिए जस्ट वेट करिए, चीज़ों को देखिए, सभी दुनिया के लोग ऑन पैसिव में आने वाला है, ये अगर बोला गया है तो ये बातें 100% सच होने वाला है, ये कोई आपको मतलब दिन में सपना दिखाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको रियली सपना दिखाया गया, और रियली ये सारे चीजें वास्तव में आपके सामने
सच होके आने वाला है, मैं आपको ये गारंटी से बताना चाहता हूँ। प्लीज जस्ट हमें वेट करना है। विशाल एक सेक्टर ऑन पैसिव ने बनाकर रख दिया है। आज दुबई के अंदर, अरब अमीरात के अंदर, यूएई के अंदर अगर इतना ऑन पैसिव को इम्पोर्टेंस ही दिया जा रहा है, हजारों कंपनी काम कर रहा है। जो लोग बोल रहा है कि दुबई में तो कोई कंपनी सफल बनाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दुबई के बारे में कुछ नहीं जानते अगर आप ऐसा बोलते हैं। दुबई आज के डेट पर हमारे से 100 साल फास्ट चल रहा है। कैसे? अगर दुबई में कुछ सफलता है नहीं तो फास्ट कैसे चल रहा है? वो लोग बिजनेस को हमेशा फोकस करते हैं। बिजनेस को फोकस करने के लिए उन्होंने कितने सारे ऐसे टूरिज्म को मतलब दुबई में लाके खड़ा किया, ऐसे टूरिस्ट पैलेस कितने जगह बनाया है, टूरिस्ट प्लेस ऐसे कितने निर्माण किया है कुछ चंद साल के अंदर, जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, जाके टूर कर रहे हैं। टूर से क्या होगा? बिजनेस होगा, लोग देखेगा, और लोग आज के डेट पर वही देख रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, धैर्य रखिए। जो अपना काम आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो करते रहे, हम थोड़ा बहुत अपने परिवार को चलाते रहे, जिनका और भी अच्छा खासा चल रहा है, आप कोई इशू नहीं है, चलाते रहिए। जस्ट पॉजिटिव रहिए, जस्ट एंगेज रहिए, जस्ट वेबिनार को फॉलो करते रहिए, जस्ट बैक ऑफिस को फॉलो करिए, जस्ट वेबसाइट्स को फॉलो करिए, ब्लॉग पढ़िए, अपने सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को यूज करिए, और एज सर के जो वेबिनार्स होता है उसको मास्ट भी फॉलो करने की कोशिश करिए। सुनिए कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आज के डेट पर पूरे दुनिया को बदलने का विचार, जिस तौर पर लोग अपने भाई के बारे में सोचता नहीं है, आज के डेट पर भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, माँ बाप में लड़ाई हो जाता है, बेटा बाप में लड़ाई हो जाता है, अलग रहने लगते हैं, देख नहीं पाते माँ बाप को, हम वृद्धाश्रम भेज देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये आप सभी को पता ही है, राइट? लेकिन आज के दौर पर भी ऐसा एक कंपनी वर्ल्ड मार्केट पर आता है और जो बोलता है कि हम पूरे दुनिया को बदल कर रख देंगे, वो किसी इंडिविजुअल एक परिवार को नहीं, किसी इंडिविजुअल एक कम्युनिटी को नहीं, इंडिविजुअल कोई एक रिलीजियन के लोगों को नहीं, पूरे दुनिया को। और यही ह्यूमैनिटी है, और इसी ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी के थ्रू आज के डेट पर ऑन पैसिव आगे बढ़ रहा है। तो इसको समझने के प्रयास करिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट ओके सर ने फिर से एक बार लिखा है कि मोदी जी बोल देगा तो 2036 तक भी इंतजार कर लूंगा। प्लीज सर मोदी जी इसके बाद यूज करने की कोशिश करिए, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। पीयूष गोयल से क्या बात हुई है, उसका रिएक्शन तो दिखाया जाए। सर पीयूष गोयल जी से कब बात हुई है, कब क्या हुआ है? ये सर जस्ट एक मेट था मोहम्मद कमाल सर के माध्यम से दुबई पर, अभी क्या बातचीत हुई है पर्सनली, ये तो प्राइवेट है ना, ये तो सीक्रेट है, तो इसको हमें जानने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि हमें जानने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है, इसको लेकर मत पढ़िए, इसको हमें ना जानना ही उचित है हिसाब से अगर देखा जाए। थैंक यू सो मच सर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच, सितंबर में ओ कनेक्ट आया, आज 6 मंथ हो गया, बट अभी भी ओ कनेक्ट रेडी ही नहीं है पब्लिक के लिए, तो क्यों फाउंडर से आश ने पैकेज के नाम पर 12K रुपीस लिए, लोगों ने कैसे कैसे पैसे दिया है कर्ज लेकर? पहली बात तो यह है सर कि ओ कनेक्ट रेडी नहीं है, ये बात सही नहीं है। ओ कनेक्ट रेडी है, ओ कनेक्ट अगर रेडी नहीं होता तो नेक्स्ट रिलीज भी नहीं किया जाता है ना। ओ कनेक्ट रेडी है फुल्ली, ओ कनेक्ट आपके सामने है और ओ कनेक्ट को हम एंजॉय कर रहे हैं हर रोज। ओ कनेक्ट एक बेस्ट टूल है आज के डेट पर, अगर यूज के तौर पर अगर देखा जाए तो ओ कनेक्ट एक बहुत बढ़िया टूल है और बहुत सारे लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पहले यूज़ नहीं कर पाते थे वो यूज़ कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते कि वो कनेक्ट
रेडी नहीं है पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए जो आप बता रहे हैं पब्लिक तो यूज कर रहा है, सिर्फ थोड़ी मतलब हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को यूज कर रहा है। आज के डेट पर बहुत सारे ऐसे हमारे पब्लिक है जो कनेक्ट को यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से यूज कर पा रहा है, तो प्लीज ऐसे शब्द यूज मत करिए सर कि पब्लिक के लिए रेडी नहीं है। पब्लिक के लिए हम रेडी है, पब्लिक के लिए बिल्कुल रेडी है, और ऑन पैसिव ग्लोबल मार्केट पर ही है। ओके, लेकिन जो आपकी बातें है कि 12 के ये पैसा, देखिए एज सर ने किसी को दबाव बनाकर नहीं बोला कि आपको ऑन पैसिव करना ही होगा। ओके, आपको सब्सक्रिप्शन डालना ही होगा, ऐसा एज सर ने कतई नहीं कहा है। ऐसा अगर आपने मन बनाया है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज आपके थिंकिंग के ऊपर आपको और भी ज्यादा सोचना है सर। आप टाइम टू टाइम अपडेट लीजिए ऑन पैसिव का, और अपडेट के थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे आप बात करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और मैं आशा रखता हूँ कि आप एक बहुत ही बुद्धिमान फाउंडिंग मेंबर हैं, और बुद्धिमान फाउंडिंग मेंबर ऐसे बात नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसा ने ना हमें दबाव बनाया है, ना कंपनी ने हमें ऐसा दबाव बना कर रखा है कि आपको ये सारा कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं आशा रखूंगा कि आप सभी इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि हमने जो पैसा दिया वो हमने खुद से दिया है, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया देने के लिए, या फिर ये कोई दबाव बनाकर उल्टा सीधा बोलकर ऐसा नहीं किया गया। अगर आपको किसी ने उल्टा सीधा बताकर ऑन पैसिव में ऐसा कुछ करने का बोला है तो वो उसके खुद के पर्सनल राय है, ये ऑन पैसिव को आप दोष ऐसे नहीं दे सकते, राइट। और प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्केप करके चलिए, ताकि हम खुद को इस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं और दूसरे को भी नेगेटिव करने का काम कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम शेख राशुद्दीन सर, आपको वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मिस्टर रेहान सर, और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं बहुत देर के बाद ज्वाइन हो पाया हूँ, और आप सभी को पता है कि हम लोग अभी बहुत मतलब ये टाइम की जो किल्लत है, इस किल्लत को हम लोग फेस कर रहे हैं ड्यू टू रमजान। ये सारे आप सभी साथी जानते ही होंगे कि आज हम लोग रमजान के कारण जो टाइम टेबल है थोड़ा सा अल्टर हो चुका है, जिसके कारण हम लोगों को समय नहीं मिलने के कारण आज हम लोगों ने ये स्टेप लिया है कि आज हम बहुत दिनों से आप लोगों के बीच क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं चला पा रहे थे, जिसके कारण आज हम लोगों ने डिसीजन लिया कि आज हम लोग 9 बजे से सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन 9 बजे से सेशन हमारे मिस्टर रेहान सरकार सर ने स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं जो नहीं तो होते होते आज मैं फिर भी 40-35 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मैं बहुत फास्ट करते हुए अपने आप को आप लोगों के बीच यहाँ पे लेके आया, और आप लोगों के बीच अभी मैं प्रेजेंट हूँ, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अभी जिस तरह से आप लोगों ने अपने अपने सवालों को यहाँ पर रखा, और जिस तरह से हमारे प्यारे डियर लीडर मिस्टर रेहान सरकार आप लोगों कन्विंसिंग के हिसाब से, अपने कन्विंसिंग के पावर से आप लोगों को जो जवाब देते हैं, वो सारे लोग इनके जवाब से मुतमईन होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और मुझे भी पूरी उम्मीद है और पूरी यकीन है कि ये जब भी अपनी बातों को रखते हैं बहुत ही बेहतरीन अपने बातों को रखते हैं। और आज का जो क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब जो चल रहा है ये सेशन में जितने भी सारे सवालात हैं, ये सवाल को धीरे धीरे अपने हिसाब से रेहान सरकार ने जवाब दिया है। फिर नेक्स्ट अभी जो सवाल करेंगे उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि यहाँ सेशन को कंटिन्यू आगे की ओर ले जाया जाए, और अभी जो सवाल है उस सवाल को कंटिन्यू लिया जाए सर, अगर आप बोले तो फिर मैं इसको पढ़ूंगा। गाशुद्दीन सर, आपके अवेलेबल वर्ड्स के लिए बहुत अच्छा लगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ अमित कौशल सर भी आज जुड़े हैं। तो अमित सर, हाउ आर यू सर? ओके, तो चलिए अमित सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे जरूर, जब अवेलेबल होंगे अमित सर तो जरूर वीडियो में भी आ सकते हैं, तब हम जरूर अमित सर को लेंगे फिर, और तब तक हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट हमारे बीच एक साथी, हमेशा वो मोदी जी के बारे में और कुछ ऐसे
बोल रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, साथ ही ऐसे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ को मैंने क्लियर भी कर दिया आपको। किसी ने बंगाली से क्वेश्चन किया, हमारे एक साथी मेहदी हसन सर ने, सर कोबे ट्रैफिक दीबे, यानी कब ट्रैफिक आएगा, राइट, यस कंपनी कब ट्रैफिक देगा हमें, तो आपका क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। ट्रैफिक देखिए, अभी जो आपको हमें दिया जाएगा ये एक तरफ से ट्रैफिक नहीं है, गलत मत समझिएगा इस चीज को, मैं जिस तरीके से समझाना चाहता हूँ वो समझिए, ये ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक कुछ अलग होगा, उसको मैं अभी अगर आपके सामने रखूं आपको समझ नहीं आएगा, 2-4 मिनट का ये मैटर नहीं है, इसको एक पूरा ये प्राइवेट सेशन करेंगे हम, जब ट्रेनिंग सेशन होगा तब मैं खुल के आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक असल में कैसे होगा, क्योंकि इसको हम अगर पहले ही लोगों के सामने रख देंगे ये उचित नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है ना, इस चीज को मैं आपको ऐसे बताऊंगा ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, समझ में ही आने वाला है। ट्रैफिक अलग चीज है, ट्रैफिक यानी जो भी जो चीज को विजिट करता है, आप अभी आके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मान लीजिए आप मेरे यूट्यूब चैनल या फिर हरीश सर के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पर आप है, तो आप जिस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या फिर जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये लाइव सेशन देख पा रहे हैं, आपने उस यूट्यूब चैनल को विजिट किया, यानी आप उस यूट्यूब चैनल का विजिटर है, ट्रैफिक है, क्लियर, आप ट्रैफिक है उसका। अभी यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत सारा पार्ट्स है, टाइप्स है, उसको हम कई सेशन के माध्यम से क्लियर कर भी चुके हैं और आने वाले दिन क्लियर करेंगे भी। बात आता है अभी जो हमें दिया जाएगा ऑन पैसिव के थ्रू, वो ट्रैफिक नहीं होगा, वो होगा रियल कस्टमर जो onpassive.com के थ्रू ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं ऑन पैसिव, राइट, onpassive.com के थ्रू ऑन पैसिव ज्वाइन कर चुके हैं, वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम, उन्हीं को अभी उठाकर आपको दिया जाएगा। जैसे बताया गया था, कुछ कुछ लोगों को पेड मिलेगा, कुछ कुछ लोगों को अनपेड भी मिल सकता है, होपफुली सभी को पेड मिले ये हम चाहते हैं दिल से, लेकिन अनपेड भी अगर मिलता है वो भी फ्यूचर आपको बेनिफिट देगा, वो कैसे देगा उसके बारे में भी कंपनी ने प्लानिंग करके रखा है, उसके ऊपर आपको चिंता नहीं करना है, कंपनी अपना प्लानिंग बनाकर रखा है इन सारी चीजों के लिए, इसलिए ट्रैफिक या कस्टमर ये सारी चीजें लाइन अप एकदम रेडी है, इस चीज को रोल आउट करने के लिए कंपनी 100% रेडी है, जस्ट वेट फॉर पेमेंट प्रोसेसर, ये जो रिक्वायरमेंट अभी चालू है इसको जब भी ठीक कर दिया जाएगा तब भी आपको ट्रैफिक भी कस्टमर भी दिया जाएगा, आप देख पाएंगे ये साथ ही साथ है, पाइपलाइन पर सारी चीजें एकदम मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम रसूल सर का क्वेश्चन है, भाई कब तक चलेगा ये इंतजार करते करते थक गए। ओके, थकने की कोई बात ही नहीं है, हम यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कोई बोझ उठाकर नहीं है कि थक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर हम किसी चीज के लिए वेट, जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए हम स्टेशन पर वेट करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, या फिर 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना वेट करते करते थक गए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं है, फर्स्ट कोई चीज के लिए हम एकदम बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं है सर, हमें सिर्फ अपने थिंक के हिसाब से हम वेट कर रहे हैं, वेट करना है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हम इम्पोर्टेंस से कितना दे रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंस से हम पैसे को अगर देंगे वो अलग बात है, पैसा हर एक बिजनेस के अंदर है, लेकिन ऑन पैसिव जो आपको या हमें देने का सोच रहा है वो पैसे से कई गुना ज्यादा बेहतर है, कई गुना ज्यादा बड़ा है, इस चीज को आपको हमें फॉलो करना होगा, इस चीज को हमें समझना होगा। मैं इस चीज को क्यों क्यों बोल रहा हूँ, काफी सारे साथी ऑन पैसिव को ये करके अभी काम धंधा सारा कुछ छोड़कर बैठे हुए हैं, उनको लेकर ही ज्यादा परेशान हम है या फिर परेशानी उठाना पड़ रहा है, और उनको ही मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ भी करके अपना गुजारा करिए, जस्ट कुछ भी करके, ये हाथ जोड़ के विनती है सभी को, करिए, आ रहा है, सब कुछ रेडी है,
वो कनेक्ट जो लोग बोल रहे थे आने वाला ही नहीं है, ये सिस्टम बनने वाला नहीं है, ग्लोबल लॉन्च नहीं होगा, कमर्शियल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सारा कुछ करके रख दिया। अभी वेट किस चीज का? वेट अगर है तो उसी चीज का जो चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं, पैसा वो भी आएगा, थोड़ा सा वेट करना है वो भी आएगा। इसलिए प्लीज आप लोग इसको गलत मत समझिए, मैं आप सभी के भलाई चाहता हूं और हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहे, एक परिवार के साथ रहे, और हम एक परिवार है, इस चीज़ को हमने साबित किया है तरह तरह के सिचुएशन के माध्यम से, तो हम इन सारे चीज़ों को झेल सकते हैं, इसको पार भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे और एक फाउंडिंग मेंबर से, ओ कनेक्ट वर्चुअल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिशियल्स यूज का चांस है क्या? यस ऑब्वियसली, दुबई गवर्नमेंट के कितने सारे संस्था के माध्यम से किया गया, दुबई गवर्नमेंट ने खुद इसको यूज किया, तो गवर्नमेंट तो यूज कर रहा है ना, ऐसे और भी गवर्नमेंट यूज करेंगे जब कॉस्ट कम होगा, जब इंडिया में ये वायरल होगा, बहुत सारी चीजें हैं, तब इंडिया के गवर्नमेंट भी यूज करेगा। आज के डेट पर इंडिया के जो ऑफिसेस, जो BDO SDO या फिर जो भी पंचायती लेवल पर भी जो ऑफिसेस है, हर जगह पर जूम यूज होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में। जब सभी देखेगा कि बेटर ऑप्शन और बेटर फीचर के साथ, बेटर कॉस्ट के साथ, यानी कम कॉस्ट के साथ, लॉयर कॉस्ट के साथ वो कनेक्ट आ गया है, तो वो कनेक्ट यूज करेंगे लोग। यही तो मतलब इंटरनेट के अंदर चलता है ना, कि जब जिसका मतलब दिन आता है उसको ये लोग यूज करता है, तो बहुत ही जल्द वो भी दिन आ रहा है कि हर जगह पर वो कनेक्ट होगा। ओके थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओमेल आईडी कब से ओपनली यूज, कब से यूज होगा? सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया आपका, ओमेल आईडी कब से ओपनली यूज। अगर आप बोलेंगे कि ओमेल कब से ओपनली यूज होगा, ओमेल तो ओपनली यूज हो रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ, मैं हजारों मेल करता हूँ, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है मैं तो करता रहता हूँ, जैसे ओ कनेक्ट का मीटिंग लिंक जब क्रिएट करता हूँ, मैं अपने जो कस्टमर्स है, अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर है, सभी को मैं भेजता हूँ, तो मैं तो करता रहता हूँ। आप भी करिए, आप भी सभी को बोलिए करने के लिए, ओ मेल बहुत ही फास्ट चल रहा है, आप अनलिमिटेड यहाँ पर मेल सेंड कर सकते हैं, करिए यूज़ ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच। कार्ड पेमेंट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड पेमेंट चालू होने के बाद गूगल फेसबुक की तरह होगा क्या इनकम? सर देखिए, किसी के साथ ऑन पैसिव का कोई कंपैरिजन नहीं है, ओके और हम किसी को टक्कर भी देना नहीं चाहते, लेकिन टक्कर हो ही जाता है, जितना भी आप टक्कर ना देना चाहे लेकिन टक्कर हो जाता है। कैसे होता है पता है? टक्कर इसीलिए होता है कि जब कोई देखता है कि ऐसा भी कोई कंपनी आ चुका है, जो हम तो 10 प्रोडक्ट लेकर बैठे, कोई 5 प्रोडक्ट लेकर बैठे, कोई 2 प्रोडक्ट, कोई 1 प्रोडक्ट, कोई 20 प्रोडक्ट, लेकिन सारा सॉल्यूशन एक जगह पर एक ही कंपनी लेकर आ रहा है, तब कंपटीशन हो जाता है, तब टक्कर हो जाता है, और तब पीछे भी पड़ जाते हैं। जैसे आज पढ़ा है ऑन पैसिव का, सभी बहुत सारे कंपनी पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑन पैसिव किसी से डरने वाला नहीं है, ऑन पैसिव आगे बढ़ने वाला है। सिंगल जूम, सोचिए एग्जाम्पल, और कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को टक्कर देना, कंपैरिजन करना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। जैसे एस सर बताते हैं कि हम किसी को कंपटीशन करने मार्केट में नहीं आ रहे हैं। अगर सिंगल जूम ओनली 470,000 पेड यूजर के साथ बिलियंस 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 डॉलर कमा सकता है पर डे, पर मंथ, पर ईयर, तो हमारे पास सोचिए कितना प्रोडक्ट्स है। अभी आप बोलिए कि गूगल फेसबुक की जो आप बात कर रहे हैं कम होगा या ज्यादा होगा, ये आप ही सोच लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको किस तरफ इशारा कर रहा हूँ समझ लीजिए, ये सारे चीजें ओपनली बताने का नहीं है और इसको बताना उचित भी नहीं है, ठीक है ना। हम अपने लेवल से काम करें, लेकिन पूरे दुनिया को बदलने का विचार अगर ऑन पैसिव ने रखा है तो उस लेवल से जाके काम हो रहा है, और पूरे दुनिया के इंटरनेट यूजर ऑन पैसिव में आने वाला है, ऑन पैसिव यूज करने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो पेड हो, लेकिन
पेड भी सभी होने वाला है, क्योंकि ऑन पैसिव एक बिजनेस है जो हर एक आइडेंटिटी लेस इंसानों को आइडेंटिटी देने वाला है। परिचय जिनके पास नहीं है, कोई पहचान नहीं, उनको पहचान देने वाला है। इसलिए सभी पेड यूजर बनेंगे, सभी यहां से कमाएंगे, और कमाने के लिए ही ऑन पैसिव आ रहा है, आपको इनकम देने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके भविष्य को बदलने के लिए, आपके फ्यूचर के जितने भी मतलब रिक्वायरमेंट है, आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके परिवार के और भी सदस्य, सभी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ऑन पैसिव आ रहा है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट, आने वाले 360 वेबिनार में एज सर ओ वेरीफाई की घोषणा करेंगे क्या सर जी? सर ऐसा कोई संभावना नहीं है और ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ओ कनेक्ट जैसे कमिंग सुन पर था वो एक दिन आ गया था, ओ ट्रैकर कमिंग सुन पर था, ओ ट्रैकर आ गया था, ओ वेरीफाई भी कमिंग सुन पर है, वो भी आ जाएगा। फैक्टर जस्ट डाटा सेंटर रिगार्डिंग कुछ काम बाकी है, जो चीज़ों को लेकर काम किया जा रहा है, क्योंकि ओ वेरीफाई जब लॉन्च होगा, ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, विशाल प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी बहुत सीरियस भी है, राइट? हर एक प्रोडक्ट को लेकर सीरियस है, लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ही फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल तक भी काम करने वाला है। ओके, गवर्नमेंट लेवल तक भी ये ऑलमोस्ट जा चुका है इसका विजन मिशन, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को बहुत ही सोच समझ कर लॉन्च किया जाएगा, और बहुत ही यूनिक फीचर है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो होपफुली ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, तो चिंता ना करें सर, घोषणा हो जाएगी बहुत जल्द, लेकिन 360 नेक्स्ट 360 या फिर उसके बाद ये क्लियर नहीं है। वेट करिए अपकमिंग कोई भी वेबिनार के माध्यम से या फिर कॉर्पोरेट वेबिनार के माध्यम से, ये सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट कंपनी करने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, आते हैं किसने लिखा सर, यूट्यूब चैनल का क्वेश्चन आंसर लीजिए सर। सर यूट्यूब चैनल का ही क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं हम, आप क्वेश्चन करते रहिए, हम क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं, ऊपर से एकदम आ रहे हैं सीरियल बाय सीरियल, क्वेश्चन इतना है कि मतलब नीचे फास्ट अगर जाना चाहे हम तो फास्ट जा नहीं पा रहे ना, क्वेश्चन है सभी का, और अगर स्किप करते तो मतलब ये ठीक नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन है कि ओ वेरीफाई कब तक आएगा, तो सर मैंने इसका जवाब दे ही दिया है, होपफुली इसका जवाब और मुझे देना नहीं होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ओ नेट कब तक आएगा, ये बब तक लिखा है लेकिन ये हो सकता है कब तक होगा। ओ नेट तो आ चुका है सर, लेकिन ओ नेट का आप बोल सकते हैं नेक्स्ट रिलीज, नेक्स्ट वर्जन। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन ये सारे बोल सकते हैं आप, इसका मोबाइल एप्लीकेशन कंप्लीट हो रहा है, रेडी हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, कंपनी बना रहा है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन आएगा, इसको नेक्स्ट रिलीज किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। ओ नेट फुल्ली जिस दिन आएगा, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। और ऐसा ने बताया था ना कि ओ नेट जब फुल्ली आ जाएगा फेसबुक को बाय बाय, ऐसा ने बताया था, मैंने तो ये होने वाला है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, KYC B2B क्या है सर? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन, मुझे ये सारे क्वेश्चन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और उत्तर देने में भी बहुत ही मजा आता है। ओ वेरीफाई का जो ये जो KYC वेरिफिकेशन टूल है हमारा, इसमें B2C और B2B वर्जन है। B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर, सीधा कोई वाया यहाँ पर होलसेलर रीसेलर ऐसा कुछ नहीं है, कोई एफिलिएट नहीं है बीच में, सीधा बिजनेस टू कस्टमर, जो बनाया है सीधा कस्टमर को वो रिलीज कर रहा है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम, इसको B2C बोला जाता है। B2B का मीन है बिजनेस टू बिजनेस, यानी हम बिजनेस टू बिजनेस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस को भी कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं। यानी मान लीजिए आपके पास एक आप कोई एक कंपनी के मालिक है, तो आपके 1000 एम्प्लॉय है,
तो 1000 एम्प्लॉय का आपको केवाईसी, अभी तो सारा केवाईसी हो चुका है सिस्टम, सभी फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपने अटेंडेंस देते हैं हर एक जगह पर, हॉस्पिटल हो या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट एनजीओ हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पर आज फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना जो कर्मचारी होता है, स्टाफ होता है, वो अपना अटेंडेंस लिखवाते हैं वहाँ पर, अटेंडेंस जमा करते हैं वहाँ पर, अपना फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, फिंगरप्रिंट वहाँ पर दे देते हैं। वही अटेंडेंस है जो पहले के जमाने में कॉपी पेन पर किया जाता था, सिग्नेचर किया जाता था, राइट। तो वो अभी डिजिटलाइजेशन हो चुका है। ओके, ओ वेरीफाई यहाँ पर क्या करने वाला है, ओ वेरीफाई यहाँ पर मान लीजिए आपके कंपनी आप खरीदते हैं, ओ वेरीफाई मान लीजिए सपोज दैट कोई एक अमाउंट से आप खरीद लेते हैं, तो आप वही काम ओ वेरीफाई के थ्रू कर पाएंगे, अपना ओन प्रोडक्ट से कर पाएंगे, राइट। और वो भी कम कॉस्ट पर, जो अदर्स कंपनी इतने सारे कॉस्ट कर रहा है आपको, वो आप बिल्कुल भी नॉर्मली कॉस्ट के माध्यम से ये सारे चीजों को कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं लोगों को। थैंक यू सो मच। ओके, ओनेट कब तक प्रॉपर तरीके से काम करेगा? ओनेट नेक्स्ट रिलीज होने दीजिए, नेक्स्ट रिलीज में ही प्रॉपर तरीके से काम करेगा ऐसा भी गारंटेड नहीं है, क्योंकि इसका काफी रिलीज होना बाकी है, वर्जन आना बाकी है, काफी फीचर आना बाकी है। मोबाइल एप्लीकेशन जब आ जाएगा तब से धीरे 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 परफेक्टली काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा फाउंडर का डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड का दिया है और आधार के ऊपर अलग डेट ऑफ बर्थ है, केवाईसी कैसे करना पड़ेगा सर? थैंक्स। ओह अच्छा, कैसे करना पड़ेगा, थैंक्स, थैंक यू सो मच। आपके ओ फाउंडर में आपने डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर डाला? ओ फाउंडर कई तो अभी तक तो कई पर ओ फाउंडर या फिर इकोसिस्टम पर डेट ऑफ बर्थ डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये केवाईसी करते टाइम आपको डालना होगा, आपको वहां पर ऑटोमेटिकली ये सेटअप होने वाला है, इसके लिए आपको वेट करना है। और आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट से कर सकते हो, वो पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, आधार कार्ड से ही करिएगा, वही अच्छा होगा, क्योंकि वही आज के डेट पर इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो आधार कार्ड को यूज करिए ज्यादातर। आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेशनल आईडी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन पैसिव से 2024 में कुछ इनकम आएगा क्या सर? सर इनकम तो बहुत सारे लोगों को 2023 में ही, ओके, जिन्होंने अपना एफर्ट डाला था, और कुछ कुछ लोगों को 2024 में भी मिला है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं इनकम आएगा कि नहीं आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, राइट, वो बताने वाला मैं कोई होता भी नहीं हूँ, कोई अगर बताता है वो अपना पर्सनल किसी का राय हो सकता है, लेकिन हम ऐसे बात नहीं करते, और पर्सनली मैं इन सारे बातों को ज़्यादा ये नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं कंपनी के पर्सनल जो मैटर है उस पर दखल अंदाज करूँ। मैं इतना आपको बताऊँगा कि 2024 एक ऐसा साल है जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को जो देख चुके हैं, सपनों को जो देखते हैं, उसका आगाज आप कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे ऐसा नहीं है, आगाज कर पाएंगे। अभी आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच। किसने सिर्फ लिखा है क्रिप्टो विड्रोस, क्रिप्टो विड्रोस भी आने वाला है सर, जब बैंक विड्रोस शुरू होगा तब भी क्रिप्टो विड्रोस भी होगा, सारे चीजें लाइनअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक साथी का, जीरो टीम वाले फाउंडर को इनकम कब तक आएगा सर? जब हीरो को आएगा तब भी जीरो को आएगा, सब भी हीरो है, सब भी जीरो है, आप जीरो नहीं है, आप ही हीरो है, आपको हीरो बनाने के लिए ही ऑन पैसिव में लाया गया है, और ये आपके ऊपर वाले को आप मतलब थैंक्स करिए, गॉड को आप जिसको भी मानते हैं, वाहे गुरु भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी मानते हैं, आप थैंक्स करिए कि आप ऑन पैसिव में है, ओके, आप जीरो नहीं है, आपके पास एक 14 लाख फाउंडिंग मेंबर का कम्युनिटी है, पूरा दुनिया आपके लिए टीम है। अगर 400 करोड़ लोग आज इंटरनेट यूजर है तो 400 करोड़ लोगों से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ओके, इंटरनेट वर्ल्ड से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन, क्या गूगल फेसबुक की तरह होगा? हम आउट ऑफ योर इमेजिंग, ओके, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अब ये गूगल फेसबुक को छोड़िए, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ऑन पैसिव, ऑन पैसिव का मीनिंग है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपके इमेजिनेशन से काफी बाहर है ऑन पैसिव, भूल जाइए वो सारे चीजें, वो सारे बातें,
कि किसके तरह होगा किसके तरह होगा, उसको हम पीछे छोड़ चुके ऑलमोस्ट, राइट। तो इसको ये करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ गोविंद सिंह सर है। गोविंद सर आप सुन पा रहे हमें? अगर सुन पा रहे तो नेक्स्ट प्रशांत सर ने एक क्वेश्चन किया सर, ओ कनेक्ट मीटिंग में यूट्यूब लिंक कैसे करे। ओके सर, ओ कनेक्ट पर अभी डायरेक्टली यूट्यूब ये नहीं हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, तो ये फीचर जो है इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, बहुत ही जल्द ये भी ऐड हो जाएगा और हम लाइव कर पाएंगे। और मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के माध्यम से जैसे आयश मुफरिसन ने बताया था कि मल्टीपल चैनल्स पर हम लाइव कर पाएंगे, तो मल्टीपल चैनल्स पर लाइव होगा सर, वो फीचर भी आ रहा है इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट आता है सर, खुद का ब्रॉडकास्ट चैनल हम क्रिएट किया है, उसको एडिट करना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं है। ये ब्रॉडकास्ट तो नहीं है, आप पॉडकास्ट के बारे में बता रहे हैं। ओके, पॉडकास्ट जो चैनल है रेनु मैम, पॉडकास्ट चैनल आप एडिट अगर नहीं कर पा रहे तो वो फीचर अवेलेबल नहीं है, और अगर कोई दूसरा कर पा रहा है आप नहीं कर पा रहे तो आपके साथ कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, ये दो ही रीजन हो सकता है। या फिर मैंने आपको बताया कि आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, मैं जरूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा इस विषय पर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे एक फाउंडिंग मेंबर की तरफ से किया गया, व्हाई डज ऑन पैसिव नॉट रिलीज द पैकेज कमीशन अमाउंट, पैकेज कमीशन अमाउंट। ये अगर पेंडिंग विड्रॉल्स के बारे में आप बता रहे हैं कि हमने जो कमीशन अर्न किया है ये क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा, तो सर इसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है, बहुत ही जल्द पेमेंट प्रोसेसर न्यू लाएगा कंपनी और इसको रिलीज कर देगा, बेफिक्र रहिए। और अगर आपको ट्रैफिक रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो ट्रैफिक भी अपकमिंग है, ये भी आने वाला है। नेक्स्ट देवेंद्र कुमार साहब, सर जी आपके चेहरे के मुस्कुराहट से बया कर रही है बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है जिसका इंतजार था। सर ऑन पैसिव मेंस ओवर डिलीवर, ऑन पैसिव मेंस गुड न्यूज, ऑलवेज गुड न्यूज, ऑन पैसिव मेंस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ओके, हमारे इमेजिनेशन से बाहर है ऑन पैसिव, हमेशा बाहर है और हमेशा बाहर रहेगी, इसलिए प्लीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है कि कब आएगा कैसे आएगा, कब आएगा वो छोड़ दीजिए, ऑन पैसिव इज देयर, ऑन पैसिव इज हियर, ऑन पैसिव यहां पर ही है, आपके साथ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आग उठाकर देखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। आप जब भी पॉजिटिव रहेंगे तो हम आशा करते हैं कि ऑन पैसिव और भी जोरदार तरीके से अपना प्रिपरेशन कर पाएगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। साथियों तो मैं चाहता हूं कि ओपनली मैं सभी को एक बार ये अपॉर्चुनिटी दूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़ पाए, तो मैं चैट बॉक्स पर देना तो चाहता हूँ लेकिन फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, मैं चैट बॉक्स पर डाल रहा हूँ जो अपना लिंक है। ओके, रई स्ट्रीम का, यहाँ पर आप स्टूडियो पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा ये मत करिए क्योंकि 6 लोगों का ओनली कैपेसिटी है, उसके ऊपर हम यहाँ पर नहीं ले सकते, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर ही हूँ और 5 लोग एक्स्ट्रा आ सकते हैं, तो जो डायरेक्टली आना चाहते हैं आके क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट फ्यू मिनट हम सेशन करेंगे उसके बाद सेशन को हम बंद करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं सर, और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पर्सन यूज करे इंटरेस्टेड प्रोडक्ट कब आएगा, ओ कनेक्ट ओ ट्रैकर पेड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोडक्ट्स लाना चाहिए ताकि इंडिया में धूम मच जाए। ओके, एवरी पर्सन यूज कर सके,
ऐसे इंटरेस्टेड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स आज के डेट पर बन के रेडी है सर ऑन पैसिव में, वो सारे इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है। हम कितना इंटरेस्ट ले पा रहे हैं ये मैटर करता है। ओके आज के डेट पर हम जूम के साथ ओकनेक्ट का कंपेरिजन कर रहे हैं कि बहुत सारे फीचर अभी तक ओकनेक्ट में नहीं आया। ओके लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि जूम से भी बहुत सारे फीचर ऐसे बेहतर ओकनेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया गया जो जूम के पास है ही नहीं, जो जूम को करने के लिए और भी हो सकता है 10 साल लग जाए। तो हम इंटरेस्ट हम ले ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। अभी अगर ग्लोबल मार्केट के बारे में बताया जाए तो कंपनी कोशिश कर रहा है और भी बहुत सारे ऐसे ये है प्रोडक्ट्स है जो लॉन्च करने वाला कंपनी। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स फ्री होगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट पेड होगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको बहुत ही सिंपल कॉस्ट में मिलेगा, एकदम सिंपल। कुछ कुछ प्रोडक्ट होगा जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस कर पाएंगे, लेकिन आप बेचेंगे, लोगों को बेच पाएंगे, वहां से कमीशन जनरेट कर पाएंगे। कितना बड़ा आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा सोच कर देखिए। तो बहुत सारे हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन, टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा 16 मिनट। हम चंद और क्वेश्चन लेंगे साथियों, प्लीज आज के लिए मुझे माफ करिए, और ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा, और फिर से एक दिन आ जाएंगे इस हफ्ते के अंदर ही, और एक क्वेश्चन आंसर सेशन फिर से लेंगे, और वहां पर जरूर कुछ क्वेश्चन को लेकर हम खुलासा करेंगे आपके सामने। अभी मैं क्वेश्चन को यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, पुट नहीं करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और शॉर्ट आउट कर रहा हूँ आप सबके बीच। सर ओनेट कब से काम करेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से ओनेट का नेक्स्ट रिलीज होने दीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन आने दीजिए। थैंक यू सो मच, और शॉर्टली मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। अभी नेक्स्ट है, डोनेट आईडी पर ओ वेरीफाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए सर, अगर डोनेट किसी ने आपको किया या फिर आपने किसी को किया है तो एग्रीमेंट होना चाहिए लीगली, एडवोकेट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट बात ये भी आता है यहाँ पर कि वो सारे चीज़ें आपको सपोर्ट पर इन्फॉर्म करना चाहिए पहले से ही, और आपको नाम चेंज कर लेना चाहिए, और सपोर्ट को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म आपको करना चाहिए पहले से ही। थैंक यू सो मच। कब ऑटो मोड में बिजनेस जाएगा? ओके डोमेन होस्टिंग से लेकर अपना जो पूरा डोमेन सिस्टम है, वेबसाइट बिल्डिंग सिस्टम है, वो सारा आने दीजिए सर। वो सारे चीज़ें आने के बाद ऑटोमेटेड हो जाएगा सारे सिस्टम, ऑटोमेटेड सारा चीज़ें चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। किसी ने हमारे काकाली प्रमाणिक मैम ने लिखा है, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, रेहान सर आपके साथ बात करना चाहता हूँ, कब कॉल करूँ? मैम आप दिन में अगर कॉल करेंगे तो अच्छा होगा, मॉर्निंग 10 बजे के बाद तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच। पेमेंट प्रोसेसर कब ठीक होगा? पेमेंट प्रोसेसर बहुत ही जल्द ठीक होगा, और न्यू पेमेंट प्रोसेसर आने वाला है कार्ड सिस्टम एंड पेमेंट सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच। पेमेंट प्रोसेसर ठीक, वही क्वेश्चन सर। कोलकाता इवेंट है, सेल्फी लेने का मौका आप लोगों के साथ नहीं मिला, ये मिस कर दिया। ओके 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 देखिए मैं दिल से चाहता था कि मैं 2000 या फिर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए थे फिजिकली, सभी के साथ मैं मिलूं, सभी के साथ एकदम मतलब हग करूं, सभी के साथ नमस्कार करूं, सभी के साथ मिलूं, मैं दिल से चाहता था, लेकिन समय की बहुत कमी थी। आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास कितना दौड़ भाग करना पड़ रहा था, मंच के अंदर, उसके बाद भी काफी सारे जिम्मेवारी था क्योंकि वहां पर सिस्टम को अरेंज करना, सिस्टम को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल था, तब भी हमने किया है, ये बहुत हार्ड था। तो मैं माफी चाहता हूँ, आपने अगर नहीं ले पाए सेल्फी तो बहुत जल्द फिर से इवेंट करेंगे और ये मीटअप हम करेंगे। थैंक यू सो मच। ये तो एक केवल शुरुआत है कोलकाता में गए इवेंट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम। रिनाउंसिएशन ओके, ओ कनेक्ट मीटिंग ओके, फिर वही क्वेश्चन सर। कार्ड पेमेंट बंद क्यों? कार्ड पेमेंट इसलिए बंद किया गया क्योंकि फर्स्ट पेमेंट जो प्रोसेसर था उसको हमने ये कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है वहां से, और फर्स्ट फेज का जो पेमेंट है वो अभी क्रिप्टो के थ्रू अभी कर पा रहे हैं आप सिर्फ, क्योंकि सेकेंड अभी आने वाला है बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।
सर डाटा सेंटर कब तक आएगा? डाटा सेंटर ऑलमोस्ट कंपनी का है और भी डाटा सेंटर्स के ऊपर काम चल रहा है, काफी डाटा सेंटर बैकएंड पर बन के रेडी हो चुका है, जस्ट वेट फॉर रिवील। ओके थैंक यू सो मच। ऑन पास नमस्कार सर, जीत जाएंगे हम आज सर, हमारे संग है तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। थैंक्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वेरीफाई कब तक आएगा, वही क्वेश्चन है। चलिए वही सारे क्वेश्चन ज्यादातर है जो हमने दिया है। रेहान भाई, किड्स का ओ वेरीफाई होगा क्या? जिनका भी ओ फाउंडर ओ ईएस है उनका ही यहाँ पर वेरीफाई होगा। ओके जो भी हमारे साथ एफिलिएटेड है, यूजर है ऑन पैसिव का, उसी को यहाँ पर वेरीफाई होके आना पड़ेगा। इनकम कब से आएगी बताए? इनकम आप जब चाहेंगे तभी इसे आएगी सर, नो इशू, कोई बात नहीं, अभी भी ओपन है क्रिप्टो के थ्रू। कोई अगर आपका परचेस करता है तो आपको मिल जाएगा अपना पेमेंट कमीशन जो है, तो ये तो ऑनगोइंग है, ये आप कर सकते हैं। साथियों अभी चलते हैं, थोड़ा सा हमारे बीच कुछ साथी है जो ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके मैं लेने का कोशिश करूं और एक मिनट का टाइम दूं मैं। कृष्णा पाल सिंह सर आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज आइए और एक मिनट के लिए अपने क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन रख सकते हैं आप। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस परफेक्ट सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओमेल का मोबाइल एप्लीकेशन आएगा तो कब तक आ सकता है? ओके थैंक यू सो मच वेलेबल क्वेश्चन के लिए सर, बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चन को सुनकर। मोबाइल एप्लीकेशन ओमेल का बहुत ही जल्द आएगा, और ट्रीम का हमें पता नहीं था, वो ट्रीम का आ चुका है। ओके जस्ट इसको थोड़ा सा और कुछ काम है, इसको करने के बाद कुछ ही समय के अंदर इसको लाइव कर दिया जाएगा ओएस में ही, ओएस में भी और onpassive.com में भी, तो ये सारे आप वहाँ से देख सकते कर सकते। लेकिन जो ओमेल का है इसमें काफ़ी कुछ फैसिलिटीज है, क्योंकि ओमेल हमारा एक रास्ता है जिसके थ्रू हम इकोसिस्टम पर जा सकते हैं, या फिर जो हमारा मेन मतलब फाउंडेशन है, जो हमारा चाबी है, कुंजी है, जिसके थ्रू हम ओएस पर एंट्री करते हैं। इसलिए इसका बहुत सारा इंटीग्रेशन है, बहुत सारा टेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये करता है, डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करता है। और एक चीज़ है कि ओमेल का मोबाइल एप्लीकेशन आने के बाद कुछ समय जब देंगे आप तो अल्टरनेटिव ईमेल आईडी का चक्कर खत्म होने वाला है, क्योंकि ओमेल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही आपका सारा ओटीपी से लेकर सारी चीजें होने वाला है, और इन सारी चीजों को आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ सिस्टम में भी चेंजेस देख पाएंगे जो उस टाइम बताना ही मेरे लिए उचित होगा, मैं पहले से अगर बताऊं तो आप इस चीज को हो सकता है बोलेंगे कि ओवर थिंकिंग है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है उत्तम नाम का। उत्तम सर आप आइए, अगर क्वेश्चन है आपका कुछ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं उत्तम मनाली, हिमाचल प्रदेश मनाली से हूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि मैं अभी अभी इसमें ज्वाइन हुआ आपके सिस्टम के अंदर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये जो पेंडिंग जो विड्रॉल्स जो है ये कब तक रिलीज हो सकते हैं? एक समथिंग आइडिया, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ऐसा कुछ आइडिया? पहली बात तो ये है सर कि पेमेंट कंपनी ने रिलीज किया ही नहीं था, ऐसा नहीं है, कंपनी ने पेमेंट रिलीज किया, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन यहाँ पर पेमेंट जो मर्चेंट है, मर्चेंट के थ्रू जो प्रोसेसर चलता है, जो मल्टीपल प्रोसेसर, और कंपनी इसके ऊपर काम भी कर रहा था, ये जो लास्ट और ऑफ या था ये भी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता, या फिर ये कारण अगर देखा जाए, अगर हम दोष देना चाहे तो ये तो दोष मर्चेंट का ही है जो सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। अगर सीधी बताया जाए, गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोगों के यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग पीछे पड़े हैं कुछ कुछ चीजों को लेकर, ताकि ऑन पैसिव आगे ना बढ़ पाए, ऑन पैसिव ये जो लोगों को देने का कारवा शुरू किया इसको ना कर पाए, इसलिए दुनिया लगा हुआ है पीछे। लेकिन तब भी कंपनी ने जिस तरीके से अपडेट दिया एस्टन ने लास्ट 360 में वेबिनार में,
कि हम न्यू पेमेंट प्रोसेसर लाने के पीछे काम कर रहे हैं और दो हफ्ता ऑलमोस्ट हमने काम कर लिया है, दो हफ्ते के ऊपर। तो इसका मतलब बहुत जल्द ये न्यू पेमेंट प्रोसेसर के साथ जो कार्ड सिस्टम एंड विड्रो सिस्टम ये लाइव होने वाला है बहुत ही जल्द। और ये जब लाइव हो जाएगा तो इजीली हम विड्रो ले सकते हैं, जो भी पेंडिंग्स है जो भी हम लगाएंगे सारा आ जाएगा। और हमारा खुद का कार्ड सिस्टम आ रहा है, खुद का कार्ड सिस्टम जब आ जाएगा तो आपको ये झेलने की जरूरत ही नहीं है, तब इंस्टेंटली हम दे सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब कि कितना, दो मंथ तीन मंथ कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये मेरा कोई थिंकिंग मैंने कभी किसी को बताया नहीं फर्स्टली, और मैं इसके लिए व्यथित हूँ कि मैं आपको भी बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कभी बताया नहीं और मैं बताता भी नहीं। हाँ, थिंकिंग पर्सनली सभी का होता है सर, लेकिन मैंने ऐसा कभी किसी को बताया नहीं। और इसका स्पेसिफिक बहुत सारे वेरियस रीजन है, जब बताएंगे तो इसके पीछे काफी लोग उसको ही पकड़ कर चलेंगे। और जब वो सारी चीजें रियल टाइम पर नहीं होगा, जैसे ऐसा को भी लोग आज दोष देते हैं रियल टाइम पर चीजें ना आने पर, तो ऐसे ही दोष देगा और लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते लोग नेगेटिव हो, ये एक प्रोसेस है, जल्द ही आने वाला है, जल्द ही आने वाला है। ज्यादा दिन अभी टाइम नहीं बचा इन सारी चीजों को करने में, क्योंकि कंपनी सारे चीजों का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फरवरी और मार्च में ले चुका है। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच सुधांशु कुमार यादव सर है। सुधांशु सर आइए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं। मिस्टर सुधांशु सर, सुन सकते हैं आप? गोविंद सिंह सर, सुन सकते हैं आप? हेलो सर, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, नमस्कार सर। यान सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और बताएं सर। मैं लेट आया सर, मैं बाहर गया हुआ था, और सर आपको मेरे को यहाँ बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए सो थैंक यू सर। और पूरी जितनी भी पूरे हिंदुस्तान से हमारी टीम बैठी है, तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू। और सर मेरा तो एक ही क्वेश्चन था कि जैसे हम ओ फाउंडर बने हुए हैं, तो मैंने काफी साथियों को फाउंडरशिप दी हुई है, बट उनके बहुत सी ईमेल में प्रॉब्लम आई हुई है, जो गूगल की तरफ से ईमेल बंद पड़ी हुई है सर। तो वही मेरा एक क्वेश्चन था सर, उसका क्या समाधान है? बाकी 5-6 अकाउंट है वो पेंडिंग में अभी पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने एक्टिव सभी करवा दिए है उनका, ओईएस में मतलब सभी अकाउंट ओके है, बट वो ईमेल को लेके गूगल ने उनको बंद किया हुआ है सर। बस मेरा इतना ही क्वेश्चन है। बाकी सर आपने बड़ा क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो प्लीज मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, गाइड करें। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये जो मेल वाला मीटर है सर, काफी साथियों को इसके पहले था, आज के डेट पर भी है, लेकिन बीच में कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दिया था 2022 में भी, वो अपने आप ठीक कर सकते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों ने सही तरीके से उठाया था, बहुत सारे साथियों ने गलत तरीके से उठाया था, लोगों का आईडी ले लिया था, बहुत कुछ किया था। लेकिन अभी रिसेंटली 2023 में भी एक अपॉर्चुनिटी आया था, लेकिन ये ओपन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, जस्ट हमने भेजा था, जैसे मैंने भी कुछ ऐसे भेजा था 75-80 ऐसा कुछ, और हमारे इंडिया भर के बहुत सारे लीडर्स, नीरज डलवी सर और भी सर थे, सभी ने मिलकर भेजा था, और बहुत सारे लोगों का समाधान हुआ है, 90% लोगों का समाधान हो गया था। लेकिन अभी जो और कई साथियों का ये प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हमें जस्ट वेट करना है। अभी अगर वो अगर यू मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि अभी ओईएस ओपन कर सकते हैं तो ओपन करते रहे, नो इशू, पासवर्ड को चेंज ना करें, और अगर ओपन ही नहीं कर पा रहे तो इसके लिए वेट करें तब तक जब तक मोबाइल एप्लीकेशन ओमेल का ना आए, क्योंकि ओमेल का जब मोबाइल एप्लीकेशन आएगा तब ये सारे चीजों का समाधान होने वाला है, क्योंकि हम गूगल से छुटकारा पाने वाले हैं, एकदम ओमेल में शिफ्ट होंगे डायरेक्टली, ओमेल का मोबाइल एप्लीकेशन जब आ जाएगा सारा यहाँ पर होगा। ओमेल तो सब ओपन कर रखा है सर, और सभी का अकाउंट मैंने अभी जस्ट 10 दिन पहले ही सबका एक्टिव करवाया सर, वो फाउंडर आईडी पेंडिंग थी तो सभी को एक्टिव करवा दिया है, बस ओनली बस ये गूगल की जो जीमेल है वो बस बट खुल नहीं रही, बस इसीलिए यही कारण था सर आपसे पूछ रहा था, बट सभी का अकाउंट ओके है, नो प्रॉब्लम, बस
एक ही अकाउंट है जो खुल नहीं पाया OAS में, उसको देख रहे हैं, अगर हो गया तो अपन ठीक है, नहीं तो फिर वेट करते हैं सर। बाकी जितने पेंडिंग थे वो सारे मेरे ओनली आंध्र प्रदेश की टीम है, वो उधर से मेरे कुछ साथी है, मैंने उनको 30 से 35 अकाउंट उनको मतलब दिए थे गिफ्ट में एज ए, और उन साथियों को पेंडिंग में उनके पैसे ना होने के कारण कुछ मतलब पर्सनली प्रॉब्लम के कारण उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बट अभी उनके पास पैसे आने के बाद अभी उनको एक्टिव करवा दिया सर, अभी सब रेडी है, अकाउंट सब ओके है, बस एक ही दो अकाउंट की प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है सर, बाकी हमने सभी को एक्टिव करवा दिया सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर चुके हैं और आज के डेट पर भी कर रहे हैं, मुझे ये बहुत ही अच्छे से पता है। और साथियों, गोविंद सर बहुत ही एक हॉनेस्ट एंड लॉयल लीडर है, जो कि आज के डेट पर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हेल्प कर रहा है बहुत सारे तरह से। और देखिए, यहाँ पर लीडरशिप तो हम उसी को कहते हैं जो मतलब बिना स्वार्थ के लोगों के लिए काम करे और लोगों को सपोर्ट करे हमेशा, और यही हमारे सर करते जा रहे हैं हर रोज। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों ने हमारे को इतना एजुकेटेड किया सर, और उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ सर। हमें नेक्स्ट बहुत जल्दी ही हमें 20 प्लस अकाउंट यूजर के मिलने वाले हैं आंध्र प्रदेश से सर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सर। ये सलूट है सर आपको और आपकी मेहनत को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच सर, ये जरूर आपकी एक अथक परिश्रम है जिसके माध्यम से आप ऊंचाई को छूते जा रहे हैं, और जरूर हम सभी को ऐसे ही कामयाब और ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच अमूली दे सर, आपका नाम अगर ठीक से आप बताएंगे तो बहुत ही खुशी होगी सर। आपका नाम अमूली दे ऐसा कुछ है सर, आप अगर सुन सकते तो प्लीज। ओके ओके, सुधांशु सर आप है रूम के अंदर, अगर है तो प्लीज एक बार। ओके, तो हमारे बीच और एक हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर जुड़ चुके हैं, मिस्टर प्रशांत विश्वास सर फ्रॉम MP मध्य प्रदेश, राइट। तो थैंक यू सो मच प्रशांत सर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे आवाज क्लियर है सर? क्लियर तो नहीं है सर, कुछ ये हो रहा है, नॉइस हो रहा है यार, मतलब वॉइस क्लियर नहीं है, अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे ये तो अच्छा होगा आपका लीड। ओके तो साथियों, अभी हम वाइंड अप की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, और हमारे लीडर अगर 2-4 मिनट के अंदर कोई जुड़ जाता है तो हम जरूर लेंगे, और नहीं तो हम वाइंड अप की तरफ आगे बढ़ते हैं सेशन को, क्योंकि काफी टाइम हो चुका, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा प्लस हो चुका है, 1 घंटा 38 मिनट चल रहा है लाइव सेशन, और हमारे पास 500 प्लस लोग अभी भी लाइव पर है। थैंक यू सो मच ऑल ओवर वर्ल्ड से 500 प्लस लोग जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 700 प्लस हो चुका था। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादातर कोशिश करिएगा वो कनेक्ट सेशन के साथ जुड़ने का, ताकि वो कनेक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, वो कनेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, वो कनेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम वायरल कर पाए, और वो कनेक्ट की फैसिलिटीज़ को हम ले पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज और मैं क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बीच में फिर एक बार लाइव में आऊँगा ज़रूर, या मैं प्रॉमिस करता हूँ, और आके फिर हम ज़रूर कुछ एंजॉय करेंगे, फ़न करेंगे, और कुछ बातें ज़रूर करेंगे। हमारे बीच हमारे और एक लीडर हरपुर राय सर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो चलिए कोई इशू नहीं है, हम जरूर नेक्स्ट सेशन पर सभी को लेने का कोशिश करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं सभी को कहना चाहता हूँ, डोंट पैनिक अबाउट ऑन पैसिव, ऑन पैसिव इज मैसिव माय डियर फ्रेंड्स। एक लौता कंपनी, एक लौता ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर ऑन पैसिव बना, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम आज के डेट पर पूरे दुनिया को बदलने का विचार रख पा रहे, पूरे दुनिया को बदलने के साथ साथ आज के डेट पर हम दुनिया में मानवता और समानता
ये दोनों चीजों को पूरे दुनिया के सामने रखने का बहुत बहुत आशा व्यक्त कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे चीजों को हमने पूरे दुनिया भर में देखा है, लेकिन चंद ऐसे कंपनीज है जो लोगों के बारे में सोचता है लेकिन तब भी पूरे दुनिया के बारे में नहीं, जस्ट एक कम्युनिटी के लिए, जस्ट एक कोई टीम के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑन पैसिव एक लौता कंपनी है जो पूरे दुनिया के लिए सोच रहा है, तो इसके लिए हमें भी अपने आप को बदलने का प्रयास करना होगा, अपने आप को निखारने का प्रयास करना होगा। और हम अगर निखार के सामने आएंगे तब भी हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। और पूरे दुनिया को बदलने का विचार जो इंसान रखता है उस इंसान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मिस्टर आश मुफारिस सर को आज के डेट पर हमें सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज मैं आप सभी को बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्टफुली। मुझे बहुत ज्यादा ये सुकून मिलता है ये बोलते हुए कि हम एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जहाँ पर कोई भी ऊंच नीच नहीं है, जहाँ पर कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, किसी से छोटा नहीं है, सब इक्वल है। और इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी, यही हमारा थीम है। तो हरपुर राय सर लास्ट मोमेंट पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज समथिंग कुछ हमारे साथ आप शेयर करिए सर, अगर एक मिनट में बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा। रियान सर मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। आपने मुझे हमारे इस लाइव स्ट्रीम में जोड़ा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और वाकई में बहुत प्यारा सेशन चल रहा है आज, क्वेश्चन आंसर का सेशन चला, और आपने बहुत ही सही तरीके से सबके सब क्वेश्चंस के जवाब दिए, और बहुत अच्छा लगा। हम और आप जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको ग्रे सलूट करते हैं। और साथ ही उन सब भाई बहन हैं जिनके है, जिनके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब देते जा रहे हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हर इंसान उन पैसे के साथ से जुड़िए, और यदि आप 80% सक्सेस है टू ऑल। वैसे टाइम है तो मैं 2 मिनट नहीं कहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, टाइम तो हमने बहुत ले चुका है, तो प्लीज आप बोल ही दीजिए, बाकी ना रह जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। आपने मुझे दो के लिए कहा, तो मैं छोटी सी कहानी, इतने उदास क्या हुआ, इतने उदास क्यों है? जीरो पर आ गए तो चिंता किसकी, चिंता चिता समान है, यानी कि चिंता कभी भी नहीं है, नहीं दे, चारों तरफ बंद है, सब असमंजस्य है, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? कभी किसी रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा है? होता है उल्टी गिनती, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जीरो ये वही जीरो है जिस वक्त खड़े हैं, तो उस जीरो के पास ही आग है, अंधकार है, तो उदास क्यों है? जिंदगी में जीरो आ गया है तो समझ लो ये वह वक्त आ गया है जो लॉन्च होने का है। आप लॉन्चिंग पैड पे खड़े हैं तो ये लॉन्च होने का वक्त आ गया है, और ये वक्त आ गया है आसमान को छूने का, ये वक्त आ गया है इतिहास रचने का। खड़े हो जाइए ऑन पैसिव के साथ, एस सर के साथ,
एक टीम के साथ और अपने सपनों के साथ अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। और चलिए, नेटवर्क इशू के कारण हरपुर राय सर हो सकता है हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। रियान सर, आपने मुझे दो शब्द बोलने के लिए कहा, मैंने समय लिया, नो एक्सक्यूज, लव यू टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू सर, आपने मुझे लाइव बोलने के लिए कहा। ओवर टू रियान सर। थैंक यू सो वेरी मच हरपुर राय सर, आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए बहुत अच्छा लगा आपको भी सुनकर, थैंक यू सो मच। एंड चलिए साथियों, सेशन को हेलो वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। जा रही है, मेरा क्लियर है सर? आपका नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम अंतिम पड़ाव पर लेकर आ चुके हैं। और एक चीज मैं जरूर बताऊंगा आपको कि कैलेंडर हमेशा तारीखों को बदलता है, कैलेंडर हमेशा तारीखों को बदलता है, लेकिन एक ऐसा भी दिन आता है, एक दिन ऐसा तारीख भी आता है जो पूरे कैलेंडर को भी बदल देता है, बदल कर रख देता है। इसीलिए धैर्य रखो अपने जीवन पर, समय सभी का आता है, वक्त सभी का आता है, और इसीलिए हमारा वक्त भी आ रहा है। प्लीज डोंट पैनिक अबाउट दिस सिचुएशन, हम कर सकते हैं और हमारे अंदर वो ताकत है कि पूरे दुनिया को हम दिखा सकते हैं। तो इतना अगर हमारे अंदर जोश और जुनून पागलपन है, ऑन पैसिव को करके अगर हम डटे खड़े हैं, तो और जस्ट कुछ समय की बात है, कुछ टाइम की बात है, वो सारे चीजें आपके सामने आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ऑन पैसिव इज आवर ऑनली डेस्टिनेशन, वी आर सो इन इट टू विन इट। Thank you.